स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले लूपीकॉल B12 सिरप के बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के बटन को जरूर दबा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं लूपीकॉल B12 सिरप के बारे में। दोस्तों लूपीकॉल B12 यह तो लुपिन कंपनी का ब्रांड है और कंपनी ने इस सिरप के अंदर कैल्शियम विथ विटामिन डी एंड B12 डाला हुआ है और ये 200 ml के पैक में मार्केट में अवेलेबल है। 200 ml पैक की प्राइस हो जाती है 51 रुपए और 25 पैसे। इसको आप आसानी से नजदीकी मेडिकल स्टोर और केमिस्ट की शॉप पर खरीद सकते हैं डॉक्टर की पर्ची के साथ। इसकी यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य इस्तेमाल कैल्शियम की कमी में किया जाता है, उसी के साथ साथ विटामिन B12 की कमी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसको ऑस्टियोपेट्रोसिस में, उसी के साथ साथ सूखे के रोग में, पोषण की कमी में, ऑस्टियोपीनिया में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कमजोरी आ रही हो तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इसके अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे ज्यादा इस्तेमाल के बाद आंख आना, चिड़चिड़ापन, दुर्बलता, उसी के साथ साथ फोटोफोबिया, दस्त और उच्च रक्तचाप जैसी शिकायत आपको हो सकती है। अगर आपको ये साइड इफेक्ट या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट नजर आते हैं तो आप लूपीकॉल B12 सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। वहीं इसके डोज की अगर हम बात करें तो अडल्ट पर्सन में, यानी कि 10 साल से ऊपर के पेशेंट में आप इसको तो दिन में से 2 बार 5 ml तक दे सकते हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आप इसका डोज कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू लूपीकॉल B12 सिरप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको लूपीकॉल B12 सिरप की सारी जानकारी पता चल गई होगी, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।